हेलो हेलो, पीछे वालों केक वेक दिख रहे हैं सबको? ठीक है, अभी दिख जाएगा, यहाँ लाइव चलेगा अभी। जैसा कि आपको सबको पता है, छोर शिक्षक गुरुकुल के फाउंडर गौरव सर का आज जन्मदिन जन्मदिवस है, और ये एक हर इंसान की लाइफ के अंदर ये सबसे खास मौका होता है जन्मदिन। ये और जन्मदिन को जनरली हम सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, लेकिन हमारे लिए जो परिवार है वो आप जो जितने शख्स यहाँ पर बैठे हैं वो सारा यही परिवार है। ये मैं कुछ 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 चंद लाइनें सर के लिए बोलना चाहूंगा। जिंदगी में खुशी हो तो उसे किस्मत कहते हैं, और जिंदगी में अगर प्यार हो तो उसे हमसफर कहते हैं, और जिंदगी में अगर ऐसा गुरु मिले तो उसे भाग्य कहते हैं। और इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि हजारों साल जिए, लाखों साल जिए, और इतना जिए कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को ये ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, और शिक्षा रूपी उसे मैं इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। जी, आप में से किसी का बर्थडे है आज? किसी का हो? अरे, 12 जुलाई का किसी का बर्थडे है? 12 जुलाई का? नहीं, नेटो का नहीं, किसी का नहीं है। ठीक है, चलो। अरे, मेरा बर्थडे तो नहीं। कपड़े खराब हो जाएंगे यार। डबल खिलाओ, डबल खिलाओ। डीजे आया था? नहीं आया था रात को? ठीक है, कल सैटरडे को आ जाएगा, नाचना होगा। तो दूसरा कुछ खाने पीने के लिए बना था सुबह? कोई बात नहीं, पेस्ट्री आ गया है। कौन सा चाय ढूंढ रहे हो तुम? ये तो बोल रहे हैं चाय बचा हुआ था। दूसरा, अभी पेप्सी खा के ब्रेक कर लेंगे, फिर 5:30 में कोल्ड ड्रिंक और समोसे। और भी कुछ है? फिर शाम को डिनर में कुछ स्पेशल मिल जाएगा। और आपके ब्रांच की पार्टी ड्यू है, बाकी सारे ब्रांचेस पे हो गए हैं, तो मंथ मंथ एंड में देख लेंगे। एक तो था कि मुरथल लेके जाएंगे, फिर
हमने देखा गाड़ी लाने ले जाने में ही परेशान हो जाएंगे, तो मंथ एंड में कर लेंगे। कल सैटरडे यदि डीजे रहने देंगे, मंथ एंड में ही कर लेंगे उस दिन डीजे। थोड़ा बात करना चाह रहा था मैं कल सैटरडे को, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है, 75 डेज में बहुत ज़्यादा दम लगाना है। हालांकि हमने एक वीडियो बनाया था 3 दिन पहले, 75 डेज में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यदि टाइम मिले तो उसको देखना है, बहुत जरूरी है। कारण आप सब मैक्सिमम फाउंडेशन से आए, आपका रिजल्ट बहुत मैटर करता है, लेकिन अभी आपने से बहुत ज़्यादा की स्थिति थोड़ी सी डमाडोली है, तो उस बात का भी जवाब मैंने दिया है कि कैसे करना है। और समय आ गया है कि अब 4 घंटे 5 घंटे सो के भी काम चलाया जा सकता है, तो एक बार देखिएगा, फिर हम कल मिलेंगे तो और बात करेंगे। आप सबका ढेर सारा आभार बर्थडे विश करने के लिए। हर साल क्राउड बदल जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार भी क्राउड बदले, मतलब नेक्स्ट ईयर, लेकिन आप में से सभी ऑफिसर बन जाएं, सभी अपने अपने हिस्से का मेहनत करें। इसके लिए वीर पुरुष की तरीके से मतलब जी जान लगा दीजिए। और नहीं पूछते थे कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता था कि आराम से पढ़िए, टाइम है। अब मैं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं है, अब आपको झोंकना होगा, अपने आप को जलाना होगा, और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना बेहतर, क्योंकि अपने CPO दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन फेज में सबके नंबर अच्छे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए पेपर आसान था इसलिए सबके अच्छे हैं। CGL ऐसा नहीं होगा, CGL का पेपर हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो थोड़ा सा अपने अपने हिस्से में एफर्ट करिए। CPO में आप में से बहुत बच्चों के नंबर अच्छे हैं, CHSL में भी ठीक ठीक हैं, लेकिन CGL में अच्छा होना चाहिए। तो कल मिलेंगे, पेस्ट्री सीट पे बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, तो आपने बांटते रहिए, हम पीछे से कुछ कह रहे हैं। बच्चों दो चार लोग जो खड़े हैं हेल्प कर लो, बच्चे भी स्टूडेंट भी आके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी लग के। राजकुमार शर्मा ने कर लो यार, एक ऑफिसर के अंदर सबसे बड़ी गुण लीडरशिप की ही होती है, और जब लीडरशिप का मौका मिले तो पार्टिसिपेट करना है, शर्माना नहीं है। बटवाते चलिए तेजी से, थोड़ा समय बच्चों, एक भी मिनट खराब नहीं करना है। मेरा कहना है जो लेते जाए उसको निकालते जाइए।